दोस्तों वर्ष 2002 में एक 52 साल की भारतीय महिला दिल्ली के एक बड़े हॉस्पिटल में किडनी ट्रांसप्लांट कराने हेतु आई। सुखद बात ये थी कि बीमार माँ को किडनी डोनेट करने के लिए उनके तीनों बेटे राजी थे, इसलिए तीनों ही बेटों का अनुवांशिक परीक्षण यानी जेनेटिक टेस्टिंग की गई ताकि ये पता लगाया जा सके कि महिला के किस बेटे की किडनी उनकी माँ के लिए बिल्कुल उपयुक्त रहेगी। लेकिन परीक्षण के दौरान ज्ञात हुआ कि इस महिला के दो बेटों की किडनी इनसे बिल्कुल भी मेल नहीं खा रही थी। खैर ये कोई बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं थी, किंतु चौंका देने वाली बात तो ये थी कि परीक्षण के नतीजों से ये भी पता चल रहा था कि ये दोनों बेटे उक्त महिला के थे ही नहीं। भला ऐसा कैसे हो सकता है? यदि किसी पुरुष को पता चले कि वो अपने बच्चों का बायोलॉजिकल पिता नहीं है तो इससे सिद्ध होता है कि उस पुरुष की पत्नी ने अपने पति को धोखा देते हुए किसी अन्य मर्द के साथ संबंध बनाए होंगे। किंतु यदि एक महिला को ही ये बताया जाए कि जिन बच्चों को उसने जन्म दिया है वो बच्चे ही खुद उसके नहीं हैं तो ये बात तो बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं लगती। सैद्धांतिक रूप से ऐसा होना संभव ही नहीं है। लेकिन किडनी बदलवाने दिल्ली आई इस महिला के लिए चौंका देने वाली यही एक बात काफी नहीं थी। परीक्षण के नतीजे साफ तौर पर बता रहे थे कि ये महिला अपने इन दोनों बेटों की माँ नहीं बल्कि मौसी है, जबकि इस महिला की कभी कोई बहन रही ही नहीं। तो क्या परीक्षण के नतीजे गलत थे? बिल्कुल नहीं। अनुवांशिक परीक्षण कभी भी गलत नहीं होते, इसलिए इस तरह के डीएनए परीक्षणों को कानून भी मान्यता देता है। तो भला इस मामले में गड़बड़ी कहाँ थी, चलिए इसी बारे में थोड़ा समझते हैं। दोस्तों असल में इस महिला के शरीर की कोशिकाएं सिर्फ उसके खुद के डीएनए से ही नहीं बल्कि उसकी कभी ना जन्म लेने वाली बहन के डीएनए से भी मिलकर बनी थी। इसका मतलब है कि इस महिला की एक जुड़वा बहन थी जो गर्भ में ही नष्ट होकर इस महिला के शरीर में ही अवशोषित हो गई थी। गर्भावस्था के शुरुआती दिनों में जुड़वा बच्चों के भ्रूण एक दूसरे के बेहद पास पास होते हैं। कह सकते हैं कि ये भ्रूण एक तरह से चिपकी हुई अवस्था में ही होते हैं। ऐसे में कई बार एक भ्रूण दूसरे भ्रूण की कोशिकाओं अवशोषित कर लेता है। ऐसे मामले में वो दूसरा भ्रूण पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, किंतु उस भ्रूण के गुण अब दूसरे भ्रूण में समाहित हो चुके हैं। यानी अब इस भ्रूण से जन्मे बच्चे में दो अलग अलग जीनोम बन जाएंगे, एक इस बच्चे के खुद के जीनोम और दूसरे इसके कभी ना जन्म लेने वाले भाई या बहन के जीनोम। जब यह बच्चा बड़ा होगा और संतान उत्पन्न करेगा तो इससे उत्पन्न होने वाली संतान में इसके खुद के जीनोम की बजाय इसके द्वारा अवशोषित किए गए जुड़वा के जीनोम भी आ सकते हैं। कुछ ऐसा ही मामला उस महिला के साथ हुआ जो किडनी ट्रांसप्लांट कराने हेतु आई थी। ऐसा होना अविश्वसनीय रूप से अजीब घटना है जिसको बायोलॉजिकल किमिरिज्म कहा जाता है। किमिरिज्म की घटनाएं दुनिया भर में नाटकीय रूप से घटती रहती हैं। इसके प्रभाव से कई बार कुछ लोगों की त्वचा या आंखें दो रंगों की हो जाती है। कई बार किसी व्यक्ति या जीव के पास नर और मादा दोनों के शारीरिक अंग भी हो सकते हैं। हालांकि मानव में किमिरिज्म के संकेत दिखाई देना बेहद ही दुर्लभ घटना होती है। वैसे एक भ्रूण के द्वारा दूसरे भ्रूण को अवशोषित कर लेना ही किमिरिज्म का इकलौता तरीका नहीं है। कई बार अंग प्रत्यारोपण या रक्त आदान प्रदान के दौरान भी किसी एक व्यक्ति का डीएनए दूसरे के शरीर में चला जाता है। उदाहरण के लिए 2004 में एक व्यक्ति को शारीरिक उत्पीड़न के आरोप के चलते पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। घटनास्थल पर मिले व्यक्ति के बालों को डीएनए जांच के लिए भेजा गया ताकि व्यक्ति को दोषी साबित करने के लिए मजबूत सबूत जुटाया जा सके, किंतु इन बालों का डीएनए इस व्यक्ति से मेल नहीं खा रहा था, बल्कि ये डीएनए इस व्यक्ति के पहले से ही जेल में बंद एक भाई से हूबहू मेल खा रहा था। पुष्टि करने के लिए डीएनए टेस्ट दोबारा किया गया, लेकिन नतीजा वही ढाक के तीन पात रहा। जब इस केस में और जांच पड़ताल की गई तो पाया कि पुलिस द्वारा उत्पीड़न के केस में पकड़े गए अपराधी का बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ था और जेल में बंद इसके भाई ने ही इसे अपना बोन मैरो दिया था। बोन मैरो एक नरम मांस का टुकड़ा होता है जो हमारी हड्डियों के केंद्र में भरा रहता है। अपने भाई से मिले बोन मैरो के कारण ही पुलिस द्वारा पकड़े गए व्यक्ति में खुद के डीएनए के साथ साथ उसके जेल में बंद भाई का डीएनए भी आ चुका था, इसलिए अपराध की जगह से उसके भाई के डीएनए को ही बरामद किया गया। दोस्तों कई बार गर्भावस्था के दौरान कोई महिला भी पुरुष के डीएनए को प्राप्त कर लेती है। एक सामान्य गर्भावस्था के दौरान भी माँ और भ्रूण के बीच प्लेसेंटा की मदद से कोशिकाओं का आदान
आदान प्रदान होता है, जिसके परिणाम स्वरूप माँ और बच्चा दोनों ही एक माइक्रोकिमिरिज्म बन जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि ना सिर्फ माँ के जीनोम बच्चे में जाते हैं, बल्कि बच्चे को पिता से मिले जीनोम भी माँ के शरीर में प्रवेश कर लेते हैं। बच्चे के ये जीनोम माँ के अलग अलग अंगों के साथ चिपक जाते हैं और माँ की कोशिकाओं को प्रभावित करते हैं। इन्हीं वजह से माँ के व्यवहार में परिवर्तन आने लगते हैं। कई गर्भवती महिलाओं के खाने की पसंद बिल्कुल ही अलग हो जाती है। उन्हें वो सभी खाने की वस्तुएं अधिक अच्छी लगने लगती है जिन्हें वो पहले बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। कई माओं का स्वभाव गर्भावस्था के दौरान खुशनुमा, वहीं कुछ माँ अधिक चिड़चिड़ी भी हो जाती हैं। ज़्यादातर मामलों में बच्चों के पैदा होने के बाद माँ का इम्यून सिस्टम उन तमाम कोशिकाओं को बदल देता है जिनमें गर्भावस्था के दौरान परिवर्तन आया था, इसलिए माँ का व्यवहार फिर से सामान्य हो जाता है। लेकिन कुछ एक मामलों में भ्रूण से मिली कोशिकाएँ कई सालों तक माँ से चिपकी रहती हैं और ये कोशिकाएँ भविष्य के किसी अन्य भ्रूण में भी समावेश कर जाती हैं। कुछ मामलों में ये भी देखा गया है कि भ्रूण से मिले जीनोम मां को स्वस्थ भी बना देते हैं। एक अमेरिकी महिला का खराब लीवर, जो किसी भी इलाज से ठीक नहीं हो पा रहा था, उस महिला के गर्भवती होने के बाद खुद ब खुद ठीक हो गया। ये करिश्मा उस महिला को भ्रूण से मिली कोशिकाओं की वजह से ही हुआ था। दोस्तों, इन उदाहरणों से एक महत्वपूर्ण तथ्य सामने आता है, वो ये कि हम सबका शरीर पूर्ण रूप से हमारा है ही नहीं, बल्कि हमारे शरीर में अन्य लोगों के गुण या डीएनए भी समाये हुए हैं। जैसे कि गीता में कहा गया है कि शरीर सिर्फ एक वस्त्र के ही समान है, लेकिन अब आधुनिक खोजों से ये भी पता चल चुका है कि ये वस्त्र भी पूर्ण रूप से हमारा नहीं है। हालांकि आप कह सकते हैं कि यदि आपका कोई गुप्त जुड़वा नहीं है, ना ही आपका कभी कोई अंग प्रत्यारोपण हुआ है और ना ही कभी आप गर्भवती हुए हो, तो निश्चित रूप से आपका शरीर पूर्ण रूप से आपका ही है। परंतु दोस्तों, ऐसा नहीं है। आपको ये जानना थोड़ा अजीब लग सकता है, किंतु हमारे शरीर की अधिकतर कोशिकाएँ हमारी है ही नहीं। यहाँ तक कि हमारी सभी कोशिकाएँ इंसानों की भी नहीं कही जा सकती। वास्तव में हमारे शरीर की केवल 43% कोशिकाएँ ही इंसानी कोशिका होती है और बाकी 57% कोशिकाएं तो बैक्टीरिया और वायरस जैसे सूक्ष्म जीवों से मिलकर बनी हुई हैं, जिन्हें वैज्ञानिक माइक्रोबायोम कहते हैं। इस नजरिए से देखा जाए तो हम सिर्फ फंगस के चलते फिरते घर हैं। हमें ये जान लेना चाहिए कि हम इन सूक्ष्म जीवों के बिना जिंदा भी नहीं रह सकते। ये सूक्ष्म जीव हमारे शरीर के वजन का सिर्फ 1-2% ही होते हैं, किंतु ये हमारे शरीर के हर अंग में मौजूद हैं, चाहे वो हमारी आँख हो या नाक। जो जीवाणु हमारी आँतों में होते हैं, वो हमें खाना पचाने और आवश्यक पोषक तत्व ग्रहण करने में मदद करते हैं। ये काम हमारे शरीर की कोशिकाएँ खुद से नहीं कर सकती। जब आपका शरीर किसी बुरे या बाहरी वायरस से लड़ रहा होता है, तो आपके अंदर के अच्छे बैक्टीरिया ही आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाने में मदद करते हैं, जिससे आपका शरीर संक्रमण से बचा रहता है। इन्हीं माइक्रोबायोम की उपस्थिति या अनुपस्थिति से हमारे शरीर के अनगिनत रोग जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि हमारे पेट के बैक्टीरियाओं का प्रभाव हमारे मस्तिष्क और हमारी मनोदशा पर भी होता है, और ऐसा प्रयोगों द्वारा भी साबित हो चुका है। अमेरिका में वैज्ञानिकों ने डिप्रेशन के शिकार कुछ लोगों की आंतों का बैक्टीरिया चूहों के अंदर डाल दिया, जिस वजह से अगले कुछ दिनों में ही उन चूहों में भी डिप्रेशन के लक्षण दिखाई देने लगे। असल में हमारी आंतों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया विभिन्न प्रकार के न्यूरोट्रांसमीटर पैदा करते हैं, जो हमारे सोचने समझने की प्रणाली और हमारे व्यवहार पर भी असर डालते हैं। वैज्ञानिकों को इस बात के प्रमाण मिले हैं कि जिन लोगों में अधिक माइक्रोबायोम होते हैं, वो काफ़ी सामाजिक होते हैं। लेकिन जब शरीर में माइक्रोबायोम की विविधता कम होती है, तो हमारे व्यवहार में चिंता और तनाव भी पैदा होने लगता है। दोस्तों, हम ये सोचते हैं कि हम या तो अपनी माँ पे गए हैं या अपने पिता पर, परंतु ऐसा नहीं है। वस्तुतः हमारा दिमाग और हमारा शरीर लगातार उन हजारों जीनोम से प्रभावित होता है जो जीनोम हमारे शरीर के अंदर मौजूद हैं, और ये जीनोम हमें अनेकों लोगों से मिले हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर हम कौन हैं और हमारा व्यक्तित्व क्या है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।